हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और हम लोग का डेली चल रहा है SSC CGL का मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और डेली हम लोग एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो जिनका टायर वन निकल गया है उनके लिए, तो फिर टायर टू के लिए फिर हम लोग रोज ला रहे मॉक टेस्ट, उसे भी जरूर आप अटेंड कीजिए। और जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका फाउंडेशन अभी क्लियर हो चुका है और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, वो रेगुलर लगाइए। अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ है तो हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट हर एक क्लास प्लेलिस्ट में है, उसे आप जरूर देखिए। और इस चैनल पर जितने भी क्लासेस आते हैं उन सारे के सारे क्लासेस को आप जरूर अटेंड कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सेट नंबर 10 है। कितना नंबर सेट है? सेट नंबर 10 है। और इस 10 नंबर सेट में जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है उन सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले इस सेट में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है या फिर डिफिकल्ट वर्ड है, उन सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है एग्जोरबिटेंट। क्या है एग्जोरबिटेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जोरबिटेंट? एग्जोरबिटेंट का मतलब क्या होता है? एग्जोरबिटेंट का मतलब होता है बहुत अधिक। ठीक है, एग्जोरबिटेंट का अर्थ होता है बहुत अधिक। दूसरा वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब है खतरा। और थर्ड नंबर है सेरेने। सेरेने का मींस होता है शांत या सुखद। फिर चार नंबर में है चर्लिस, और जिसका मतलब होता है अभद्र या गवार। ठीक है, तो यहां पहले वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम ये सारे के सारे प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करने से पहले जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका मीनिंग हम लोग एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। फिर पांच नंबर में है बी लिटिल। ठीक है, बी लिटिल का मतलब क्या है? अनादर करना। और छह नंबर में है कॉर्टियस, जिसका मीनिंग है असभ्य। और सात नंबर में है फॉरवंट। फॉरवंट का मतलब क्या होता है? उत्साही। और आठ नंबर में है अनकूथ। अनकूथ का मीनिंग है असभ्य। और नौ नंबर में है फ्लेगमैटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेगमैटिक? मींस उत्साहीन। और दस नंबर में है आर्डेंट। आर्डेंट का मीनिंग है उत्साही। और ग्यारह नंबर में है इंडिफरेंट, मींस उदासीन। और बारह नंबर में देख लीजिए, बारह नंबर में है इमेनेट, का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। और तेरह नंबर में एक्सीड, मींस बाहर निकलना। और 14 नंबर में है एनसीयू, मींस किसी चीज से पैदा होना। और 15 नंबर में है जुक्स्टापोज, मींस पास पास रखकर तुलना करना। और 16 नंबर में है कर्ब। कर्ब मींस किसी बुरी चीज पर रोक लगाना। ठीक है, इस प्रकार ये 16 इंपोर्टेंट वर्ड्स हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं, जो कि सारे के सारे वर्ड आपको अभी जब प्रश्न सोल्व करेंगे तो उस दौरान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग प्रश्नों पर आ जाते हैं। एक एक प्रश्न करके हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है एक और दो के लिए। इसमें क्या करना है? प्रश्न संख्या एक और दो में करना क्या है? यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले इसे देखिए। एक और दो में जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया हुआ है सेंटेंस को, और इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए। अगर आप अभी वॉच कर रहे देख रहे हैं तो फिर आप क्या करें, नोटबुक और पेन ले लीजिए और वीडियोस को रोक करके, क्लासेस को रोक करके जरूर आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और फिर सोल्व करने के बाद फिर आप सारे के सारे सॉल्यूशंस को आप मिला लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो फिर पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M ज्वाइन करिए, और वहां से आप मुफ्त में सारे के सारे पीडीएफ रोज डाउनलोड करिए और उसको फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ भी एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके इसे बनाने का प्रयास कीजिए। बनाने के बाद फिर आप वीडियो से इसको मिला लीजिए। ठीक है, क्लासेस से आप जरूर चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। सीईओ ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर। अगर कोई एरर है तो किस पार्ट में एरर है वो आपको बताना है, और क्या एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर आप नो एरर पर टिक कर सकते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिए फटाफट। तो देख लीजिए ये जो प्रश्न है, द सीईओ ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर, मींस आपका एरर है ऑप्शन नंबर ए में। किसमें एरर है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या एरर है? ओनली का प्लेस गलत है। ठीक है, ओनली का जो स्थान है ये गलत जगह पर है। वर्ब के पहले ओनली का इस्तेमाल किया गया है जो कि गलत है। इसको होना क्या चाहिए था?
इसका स्थान यहां पर होना चाहिए, ठीक है, डिस्कस्ड के बाद और द न्यू वेंचर के पहले, ठीक है। द सीईओ डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर, ठीक है, केवल न्यू वेंचर के बारे में ही सीईओ ने डिस्कस किया, ठीक है, विद हिज मैनेजर, अपने मैनेजर के साथ। तो ओनली का स्थान कहाँ होना चाहिए था, डिस्कस्ड के बाद होना चाहिए, द न्यू वेंचर के पहले होना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्लियर हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फिर बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ आपका टायर 1 का मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। सारे के सारे मॉक टेस्ट डेली अटेंड कीजिए, आज 10 नंबर मॉक टेस्ट है और इससे पहले ऑलरेडी 9 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये लगातार एग्जाम तक चलेगा, ठीक है, अगले नोटिफिकेशन तक। और इसी तरीके से टायर 2 का भी मॉक टेस्ट चल रहा है रोज, उसे भी जरूर आप अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ शी वॉज मैरिंग मिस्टर गुप्ता, सी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिसेस गुप्ता, ठीक है। अगर वह मिस्टर गुप्ता से मैरी करे तो फिर वह मिसेस गुप्ता के नाम से जाना जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या गलत है, मिस्टेक किस पार्ट में है, यहां भी तो मिस्टेक ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, वास मैरिंग, ये गलत सेंटेंस है, ठीक है। वास मैरिंग क्या है, गलत सेंटेंस है, गलत टेंस है। यहां पर वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड है, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, हैड मैरिड, क्या होना चाहिए था, हैड मैरिड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हैड मैरिड। सेंटेंस आपका टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, 3 और 4 नंबर प्रश्न के लिए आप क्या करेंगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड, यहां पर खाली स्थान भरना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, जो अप्रोप्रिएट है उसे फिल करना है। 3 नंबर बनाइए, फटाफट बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। अंकिता इज डिसगस्टेड डैश द हैबिट ऑफ हर ब्रदर, डिस्कस्ट के साथ क्या लगेगा, एट ऑन ऑफ या बिट, डिसगस्टेड, हैट का मीनिंग क्या होता है, किसी बात या व्यक्ति से नाखुश, क्या होता है, किसी बात या व्यक्ति से नाखुश, ठीक है। तो ये मीनिंग है, तो फिर डिस्गस्टेड एट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्या भरा जाएगा, डिस्गस्टेड एट, अंकिता अपने भाई की आदत से नाखुश है, परेशान है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4। ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन बी वेयर, सिक्योरिटी रीजन के कारण बी वेयर डैश फ्रॉम एंटरिंग इन टू द कॉकपिट ऑफ द प्लेन, ठीक है। प्लेन के कॉकपिट में एंट्री से क्या हो गया, सिक्योरिटी, सुरक्षा कारणों के कारण, वेयर स्टॉप्ड, ठीक है, रोक दिया गया, क्या कर दिया गया, सुरक्षा कारणों के कारण प्लेन के कॉकपिट में एंट्री लेने से रोक दिया गया, ठीक है, तो स्टॉप्ड हो जाएगा। चलिए और 5, 6 में क्या करना है, 5 नंबर और 6 नंबर में क्या करना है, आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, क्या करना है, सिमिलर मीनिंग बताना है, जैसे एग्जोर्बिटेंट। तो अभी अभी ऊपर हम लोगों ने मीनिंग देखा था, एग्जोर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। एग्जोर्बिटेंट का मीनिंग क्या होता है, बहुत अधिक। एग्जोर्बिटेंट का मीनिंग क्या है, बहुत अधिक, ठीक है। एग्जोर्बिटेंट का मीनिंग बहुत अधिक, तो इसका सिमिलर मीनिंग आप बता दीजिए, क्लियर होगा, डल होगा, हाई होगा या रेयर होगा, क्या होगा, मीन्स हाई होगा, बहुत ऊंचा, मीन्स बहुत अधिक, ठीक है। ये दोनों क्या है, सिमिलर मीनिंग है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, किसका, एग्जोर बीटेंट का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर मीन्स साफ सुथरा, डल मीन्स सुस्त और रेयर मीन्स दुर्लभ, तो ये तो होगा नहीं, हाई मीन्स ऊंचा, तो इससे मिलता जुलता वर्ड है। फिर नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, जियोपार्डी का अर्थ क्या होता है, तो जियोपार्डी का अर्थ होता है भैया खतरा, क्या होता है अर्थ, खतरा, क्या होता है, खतरा, हाँ तुम लोगों को पता नहीं होगा, देख लीजिए जियोपार्डी का अर्थ क्या होता है, खतरा, ठीक है।
अब इससे रिलेटेड कौन सा सिमिलर मीनिंग है? एंग्री मीन्स नाराज, इंजोर मीन्स क्या, रिस, इंजोर मीन्स घायल, और रिस्क मीन्स खतरा, और सरेंडर मीन्स शांत। तो रिस्क ही ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? रिस्क सही है, बिल्कुल ठीक है। रिस्क आपका राइट आंसर है। रिस्क क्या है यहाँ पर? सही उत्तर है रिस्क, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? जियो पार्डी। जियो पार्डी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिस्क, ठीक है। रिस्क सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स। सरेने का मतलब क्या होता है? शांत। चलिए दूसरा हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अब अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। अपोजिट इन मीनिंग आपको बताना है। चरलिस, तो चरलिस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले चरलिस का अर्थ बताइए। चरलिस का अर्थ होता है गंवार। क्या? गंवार या अभद्र, ठीक है। तो यहां पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बिलिटिल। बिलिटिल मीन्स अनादर करना। बिलिटिल का मतलब क्या होता है? अनादर करना, ठीक है। कोर्टियस का मतलब क्या होता है? सभ्य। कोर्टियस का मतलब क्या होता है? सभ्य। फर्वेंट का मतलब क्या होता है? उत्साही। फर्वेंट मीन्स उत्साही। और अनकूथ का मतलब क्या होता है? असभ्य। अनकूथ मीन्स क्या होता है? असभ्य। तो गवार का अपोजिट क्या होगा? तो सभ्य ही होगा। गवार का अपोजिट क्या होगा? सभ्य होना चाहिए, मीन्स बी नंबर कॉर्टियस सही हो जाएगा, ठीक है। और अनकूथ, ये तो सिमिलर वर्ड हो जाएगा। बिलिटल, ये भी सिमिलर में माना जाएगा, लेकिन कॉर्टियस सभ्य, ये अपोजिट है, ठीक है। चलिए फ्लैगमैटिक का अर्थ क्या है? फ्लैगमैटिक का अपोजिट वर्ड यहां बताना है, चार ऑप्शन में से आपको, बताइए फटाफट। और इसका मीनिंग सबसे पहले बता दीजिए, इसका मीनिंग क्या है? तो फ्लैगमैटिक का अर्थ क्या है? फ्लैगमैटिक मीन्स क्या होता है? फ्लैगमैटिक मीन्स होता है उत्साहहीन। क्या होता है? उत्साहहीन, ठीक है। अब इसका अपोजिट वर्ड आप बताइए, अपोजिट वर्ड फ्लैगमैटिक का। अर्डेंट। क्या होता है? अर्डेंट, ठीक है। और अर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्साही। क्या होता है? उत्साही। तो उत्साहहीन का तो उत्साही, ठीक है। और इंडिफरेंट, प्रोहिबिट, और मर्सीलेस मीन्स निर्दयी, प्रोहिबिट मीन्स निषेध, और इंडिफरेंट और समाधि। यहां पर उत्साहीन का क्या होगा? उत्साही। फ्लैगमैटिक का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अर्डेंट। क्या होगा? अर्डेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर देख लेते हैं 9 नंबर और 10 नंबर में क्या है। इडियम और फ्रेज का अर्थ बताना है। क्या बताना है? इडियम और फ्रेज का मीनिंग बताना है, ठीक है। तो यहां पर 9 नंबर में देख लीजिए, डैम्प स्वीप। डैम्प स्वीप, इसका मीनिंग क्या है? डैम्प स्वीप का कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से असफल होना, यही है डैम्प स्वीप का मीनिंग, ठीक है। चलिए दूसरा 10 नंबर, रिस्क लाइक या फोनिक्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू बिकम सक्सेसफुल अगेन, दोबारा सफल होना, ठीक है। चलिए अब 11-12 के लिए देख लेते हैं डायरेक्शन। 11-12 में आपको क्या करना है? जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसको इंप्रूव करना है, ठीक है। और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, देख लीजिए। द मोबाइल फोन्स हैव मेड डिजिटल कैमरास अ लिटिल सुपरफ्लुअस इन टुडेस वर्ल्ड। तो यहां पर सुपरफ्लुअस है, और इसका चार ऑप्शन है, एक्सटिंक्ट, ऑब्सोलेट, और रिडंडेंट, और नो इम्प्रूवमेंट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का? बी नंबर सही है, ऑब्सोलेट, ठीक है। अब यह प्रचलन पुराना हो चुका है, ठीक है। सुपरफ्लुअस नहीं होगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर देख लीजिए, इफ यू विल अप्रोच हर सिंसियरली सी विल लिसन टू योर प्रॉब्लम डेफिनेटली। अगर आप उसे सही से अप्रोच करेंगे तो वह वास्तव में आपकी बातों को सुनेगा, आपकी समस्या को सुनेगी। यहां पर चार ऑप्शंस में कौन सा सही हो जाएगा 12 नंबर में? देखिए फर्स्ट में यू अप्रोच, यही सही है। यू अप्रोच, अगर आप अप्रोच करेंगे तो फिर आपकी समस्या को ठीक से सुनेंगे। ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। रूल के लिए सारे के सारे 150 रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, जिसे आप जरूर देख सकते हैं। लगभग 4 आवर्स 30 सेकेंड्स का है, ठीक है, 30 मिनट्स का, 4.5 घंटा का यह क्लासेस है, जिसे आप जरूर ग्रामर का क्लास कर सकते हैं। क्विक रिविजन के लिए सारे के सारे रूल्स हम पढ़ा दिए हैं, 150 रूल से भी ज्यादा, और हर एक टॉपिक पर, ठीक है। फिर देख लीजिए 13 नंबर में क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। डैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, जो केंद्र से दूर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे?
जो केंद्र से दूर है उसके लिए क्या यूज करेंगे, इसेंट्रिक। क्या यूज करेंगे, इसेंट्रिक। क्या यूज करेंगे, इसेंट्रिक। ठीक है, फिर वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकली वैल्यू रखता है, ठीक है, जो देता है उसको क्या कहेंगे, 14 नंबर में क्या यूज करेंगे, सी नंबर, प्रैग्मैटिस्ट। ठीक है, चलिए 15 नंबर में जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको आपको बताना है, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कहीं स्पेलिंग गलत है यहां पर, ठीक है, तो ये मिस्टेक है, तो ऑप्शन तो मिस्टेक को ही ढूंढना है। प्लेंटिफ का सही है और पोटैटो का स्पेलिंग सही है, पोटेशियम सही है, तो पेडेस्ट्रियन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, पीई डी एस टी आर आई एन। ठीक है, पेडेस्ट्रियन ट्रेन है जबकि होना चाहिए ट्रियन। ठीक है, तो ये स्पेलिंग सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में देख लीजिए, फैबुलस, जॉर्जियस, हेट्रोजीनियस और इनकुअस, इसमें से कौन सा गलत है, डी नंबर में गलत है। क्या सही हो जाएगा, इनकुअस का क्या स्पेलिंग होता है, आई डबल एन ओ सी यू ओ यू एस, इनकुअस। ठीक है, चलिए देख लीजिए 17 नंबर में, चार सेंटेंस दिया हुआ है डिसऑर्डर में और इसको क्या करना है आपको, ऑर्डर मिलाना है। ठीक है, तो यहां पर फटाफट इस प्रश्न को बनाइए, पी क्यू आर एस, इसमें सबसे पहले कौन सा होगा, सेंसिटिव माइंड इजली बी ऑफन से कहां से प्रारंभ करेंगे इस सेंटेंस को हम लोग, विजिट टू होली प्लेसेस आर कंसिडर्ड गुड बिकॉज, तो प्रारंभ तो यहां से हो रहा है, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। तो आप चेक करिए एस से कहां पर है ऑप्शन में, एस से तो ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड से ये सब गलत हो गया। ठीक है, और सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 18 नंबर देख लेते हैं, 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर में देख लीजिए कहां से शुरू होगा, थोड़ा मैं इधर इसको दो बार ऊपर नीचे कर देता हूं, ये 18 में, इन मच ऑफ वेस्टर्न या द अप्रोच टू आइडियलिज्म बाय वेस्टर्न फिलोसफर्स हैव बीन डिफरेंट टू दैट ऑफ ईस्टर्न थिंकर्स, ये तो ठीक ही लग रहा है, फर्स्ट नंबर में ही आना चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर, अगर क्यू से शुरू हो रहा है तो इसमें क्यू से और कोई शुरू तो नहीं हो रहा है, तो इसे ऐसे ही हम एलिमिनेट कर देंगे और फिर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, आज हम लोग पूरे 25 को 25 करेंगे। ठीक है, आप लोग मिलाइए फिर आप बताइए 25 आउट ऑफ कितना आपको मार्क्स मिले हैं। The following questions, the sentence has been given in active or passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive or active. Karnataka grows coffee. Karnataka क्या करता है? Coffee उगाता है, कहवा उगाता है। ठीक है, अब इसका passive voice हम लोग कैसे बनाएंगे? तो passive voice जब हम बनाएंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? Coffee is being grown, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़े हैं सब्जेक्ट प्लस भी वन या फाइव रहता है प्लस सब्जेक्ट रहता है, क्या बनाते हैं पैसिव में, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, फिर इज एम आर और प्लस भी थ्री का यूज करते हैं, इज एम आर प्लस भी थ्री, इज एम आर प्लस भी थ्री कहाँ है, तो इसमें है नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत है, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत है, इज एम इज प्लस भी थ्री, बिल्कुल ये सही है, यहां पर सही ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 20 नंबर प्रश्न में क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाने हैं। मदर्स गोपाल्स मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक हिज वैलेट, गोपाल की माता ने उसको याद दिलाया उसका वैलेट लेने के लिए। ठीक है, अब इसका एक्टिव पैसिव वॉइस में बनाना है, फिर आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर चार ऑप्शंस दिया हुआ, ए बी सी और डी, तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो जाएगा। ठीक है,
कैसे भी हो जाएगा यहां पर देखिए, डोंट फॉरगेट टू टेक योर वैलेट, गोपाल सेट हिज मदर, उसकी माता ने गोपाल से कहा, ठीक है। और इसी का यहां पर पैसिव बना हुआ है, ठीक है, इसी का क्या है, पैसिव बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये तो बहुत ही बढ़िया से बनाना है, एक पैसेज है और पैसेज को क्या करना है, सोल्व करना है यहां पर। ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूशंस इन विच मेंबर्स कंप्लीट फॉर स्टेटस एंड डैश। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंस्टीट्यूशन है जहां पर मेंबर्स क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, कंप्लीट नहीं सॉरी कंपीट करते हैं, माना एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ठीक है, ये एल नहीं होगा यहाँ पर, और स्टेटस के लिए एक दूसरे को कंपीट करते हैं। एंड डैश, तो यहाँ पर ग्रोथ या मनी या पावर या डिस्कस, क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल पावर के लिए ही कंपीट करेंगे ना एक दूसरे से, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस यहाँ पर पढ़ सकते हैं, दे डैश फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल डैश टू एक्सपैंड, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 22 में, कंप्लीट नहीं है, यहाँ भी कंपीट गलत टाइप किया हुआ है, कंपीट एक्सपैंड रिलाई और रन, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर, फॉर द रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल डैश टू एक्सपैंड, तो क्या करेंगे यहां पर, तो फिर यहां पर हम लोग क्या भरेंगे, यहां पर फॉर एग्जांपल 23 नंबर क्या हो जाएगा, 23 नंबर में क्या भरेंगे हम लोग, फाइनेंस एग्जाम्पल फॉर फाइनेंस टू एक्सपैंड या रिसोर्सेस टू एक्सपैंड, ठीक है, बोथ आर करेक्ट है यहाँ पर, एक्सपैंड और रिसोर्सेस कुछ भी, दोनों में से दोनों सही है, ठीक है, रिसोर्सेस भी सही है और फाइनेंस भी सही है। फिर नेक्स्ट नंबर, इसी को अगर हम लोग देख ले, टू रिसोर्सेस टू एक्सपैंड देयर ऑन डिपार्टमेंट फॉर डैश, अगर हम 24 नंबर में ऑप्शन देखें तो यहाँ पर क्या है, करियर है, फाइनेंशियल है, रीजनल है और टेक्नोलॉजिकल है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरेंगे हम लोग, तो 24 में बिल्कुल ये करियर को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे, करियर को क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे, करियर फिर हम लोग भरेंगे यहाँ पर। और 25 में एडवांसमेंट एंड फॉर पावर टू डैश एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, तो 25 का हम लोग क्या करेंगे, बी कंट्रोल, 25 का क्या करेंगे, कंट्रोल, ठीक है। इन दिस वे डियर कैंडिडेट्स, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड द मॉक टेस्ट, और 10 नंबर मॉक टेस्ट आपने बखूबी बनाया, और जिन्होंने भी बनाया वो अपना मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 25 आउट ऑफ आपको कितना आया, कितना मार्क्स आप ऑब्टेंड किए हैं इसमें, ठीक है, 25 में आप कितना मार्क्स ऑब्टेंड किए, ये आप जरूर लिख करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। इफ यू नीड ऑल द पीडीएफ्स ऑफ ऑल द क्लासेस, सारे क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, तो फिर आप एग्जाम ट्यूटोरियल 3M चैनल को जरूर क्या करिए, ज्वाइन कीजिए, जो कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, जहां से आप सारे के सारे नोट्स या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत